फ्रेंड्स, वेलकम टू कृषिज डायरीज। तो आज कुछ अलग करने वाली हूँ मैं, क्योंकि मैं हूँ मेरे किचन में। लॉकडाउन के टाइम पे भले ही दुनिया थोड़ी स्लो हो गई है, चीजें बंद हो गई हैं, पर सेलिब्रेशंस फंक्शंस तो आते रहते हैं। तो ऑफकोर्स अभी उस तरह से हम सेलिब्रेट नहीं कर सकते जैसे हम पहले किया करते थे। अगर लॉकडाउन नहीं होता तो शायद कोई रेस्टोरेंट में जाते या फिर कुछ खाना मंगाते। सो कोई बात नहीं, अगर बाहर नहीं जा पा रहे, बाहर मोस्टली हम इसलिए जाते हैं बिकॉज ऑफ गुड फूड, गुड एम्बियंस, डेकोरेशन। इसको एक डिफरेंट एक्सपीरियंस के हिसाब से ले सकते हैं ये जो सेलिब्रेशंस इस साल आ रहे हैं, क्योंकि अगले साल होप कि सारा कुछ ठीक हो जाए एंड लाइफ बैक टू नॉर्मल हो जाए। अब इंडियन फैमिलीज में अगर सेलिब्रेशंस की बात आती है तो सबसे इम्पोर्टेंट होता है खाना। डेकोरेशन एम्बियंस का बाद में आता है, बट फूड कम्स फर्स्ट। एंड व्हेन यू आर सेलिब्रेटिंग मींस यू शुड एटलीस्ट हैव सम मोर या फिर सम स्पेशल आइटम्स। सो आज मैं कुछ स्पेशल चीज़ें बनाने वाली हूँ। ये कम्प्लीटली मेरी रेसिपीज होंगी बिकॉज मेरे वर्जन होंगे। इसमें मैं ऐसे फूड्स बनाने वाली हूँ जो कि डीप फ्राई नहीं होंगे। आपका जो भी सेलिब्रेशन आता है आप उसमें ट्राई कर सकते हैं एंड आई एम श्योर यू लाइक इट। सो ये जो है, जो भी चीज़ें मैं बना रही हूँ, मैं चाहती हूँ कि मैं आपको डिटेल्ड में बताऊँ, इसलिए वीडियो शायद थोड़ा बड़ा हो जाएगा। तो इसके मैंने दो पार्ट्स बना लिए हैं। सो जो पार्ट वन है इसमें मैंने जो जो खाना बनाया है विद प्रॉपर रेसिपीज, एंड नेक्स्ट जो पार्ट है उसमें मैं केक बनाऊंगी एंड जो डेकोरेशन होगा, केक कटिंग होगा, वो सब आपको सेकेंड पार्ट में दिखेगा। सो विदाउट वेस्टिंग मच ऑफ आवर टाइम, क्योंकि आज हमारे पास टाइम बिल्कुल नहीं है, बहुत सारा काम करना है, बहुत सारा खाना बनाना है। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो सबसे पहले हम कस्टर्ड बनाने वाले हैं एंड दीज आर द बेसिक इंग्रेडिएंट्स रिक्वायर्ड। तो हम सबसे पहले 2 कप मिल्क लेंगे एंड उसमें मैं 3 टेबलस्पून शुगर डाल रही हूँ। आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम ज्यादा कर सकते हैं। शुगर डालने के बाद मेक श्योर कि आप उसको अच्छे से मिक्स करें ताकि वो जल ना जाए। नेक्स्ट हम कस्टर्ड पाउडर लेंगे अराउंड 2 टेबलस्पून एंड उसको थोड़े से कोल्ड मिल्क के साथ मिक्स कर लेंगे ताकि ये कुछ इस तरह का एक पेस्ट फॉर्म हो जाए। सो मिल्क अभी बॉइल्ड हो चुका है। सो अभी बॉइल्ड मिल्क में हम ये जो कस्टर्ड का पेस्ट हमने किया था वो इसमें डाल देंगे एंड इसको कुक होने के लिए थोड़े टाइम छोड़ देंगे। सो नाउ द कस्टर्ड इज ऑलमोस्ट कुक। सी कितना बढ़िया दिख रहा है। सो इस टाइम पे थोड़ा सा इसको स्टिर करके मैं इसमें इलायची पाउडर डालने वाली हूँ। सो दिस इज माई सीक्रेट इन्ग्रीडियंट फॉर दिस रेसिपी। एंड इसके बाद थोड़ा सा स्टिर करके थोड़े टाइम कुक होने के लिए रख दूंगी एंड देन विल टर्न ऑफ द फ्लेम एंड इसको थोड़ा ठंडा होने के लिए रख देंगे। सो नेक्स्ट मैं बनाने वाली हूँ बेबी कॉर्न मशरूम तंदूरी ऑन तवा। सबसे पहले जो बेबी कॉर्न्स हैं उनको मैंने थोड़े से पानी में 3 मिनट्स के लिए बॉयल कर दिया है एंड नेक्स्ट हम अभी जो मशरूम्स हैं उनको कुक करने वाले हैं। इसके लिए सबसे पहले मैंने 1/2 टेबल स्पून ऑयल लिया है एंड उसमें सारे मशरूम्स को डायरेक्टली डाल दिया है। इनको थोड़ा सा सॉटे करेंगे एंड देन हम इसको कवर कर देंगे एंड 2 मिनट्स के लिए कुक होने के लिए छोड़ देंगे। उसके बाद हम थोड़ा सा सॉल्ट ऐड करेंगे अकॉर्डिंग टू योर टेस्ट एंड देन विल मिक्स इट। सो थोड़ा कुक होने के बाद ये कुछ इस तरह से दिखता है। नेक्स्ट हम इसको एक प्लेट में निकाल के रख देंगे। अब हम इसका मैरिनेशन बनाना शुरू करेंगे। उसके लिए हम 1/4 कप कर्ड एंड वो रूम टेम्परेचर पे होना चाहिए। उसमें 1 टेबलस्पून कॉर्नफ्लोर, 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर, 1/2 टीस्पून मिर्ची पाउडर, 4 चॉप्ड गार्लिक पीसेस एंड 1 टेबलस्पून गरम मसाला एंड सॉल्ट अकॉर्डिंग टू योर टेस्ट। सो अभी इन सबको अच्छे से मिक्स कर देंगे हम एंड देन उसमें जो बेबी कॉर्न एंड मशरूम्स है वो डाल के अच्छे से कोट कर देंगे। नेक्स्ट बड़े क्यूब्स के ऑनियंस कट किए हैं मैंने एंड जो कैप्सिकम है वो भी डाल के अच्छे से मिक्स कर देंगे। सो अब इस मिक्सचर को हम 30 मिनट्स रेस्ट करने के लिए रख देंगे। तो चलिए हमारा नेक्स्ट आइटम बनाते हैं जो कि है फ्राइड राइस। उसके लिए मैंने लिया है 4 चॉप्ड गार्लिक, 1 इंच चॉप्ड जिंजर, स्लाइस्ड ऑनियंस एंड गाजर को मैंने 2 स्लाइस शेप्स में कट कर दिए हैं। कुछ मिर्ची लिया है मैंने
एंड कैप्सिकम चॉप्ड। कढ़ाई लेंगे, उसमें 1 टेबलस्पून ऑयल डाल के उसमें सबसे पहले गार्लिक, जिंजर और चिली डाल के हम अच्छे से सॉटे कर लेंगे फॉर अराउंड 20 सेकेंड्स। सो ये सब हमें हाई फ्लेम में ही कुक करना है। नेक्स्ट मैं जो स्लाइस्ड अनियन से वो डाल के थोड़ा सॉटे कर लूंगी उसको, एंड नेक्स्ट सारा वेजीज डाल के उसको अच्छे से कुक कर लूंगी थोड़े टाइम तक हाई फ्लेम में ही, जब तक वो थोड़े पक जाए। नेक्स्ट सारे वेजेस को एक कॉर्नर में शिफ्ट कर दूंगी कढ़ाई के, एंड 1/2 टेबल स्पून ऑयल डाल के उसमें मैं एग्स डाल दूंगी, एंड उसमें थोड़ा सा सॉल्ट एंड 1/2 टेबल स्पून पेपर पाउडर डाल के उसको फिर हाई फ्लेम में ही मिक्स करती जाऊंगी जब तक वो एक भुर्जी जैसा ना बन जाए। एंड देन हम सारे वेजेस को उसमें मिक्स कर देंगे। अब हम डालेंगे 1 टेबल स्पून सोया सॉस, 1 टेबल स्पून चिली सॉस एंड 1 टेबल स्पून टमाटो केचप। अभी इसमें हम कुक्ड राइस डाल देंगे। मैंने राइस पहले से ही कुक करके रख दिया था, एंड इसमें अभी अच्छे से हम मिक्स कर देंगे, एंड एट द एंड इसमें हम सॉल्ट डाल के एक बार फिर से अच्छे से मिक्स कर देंगे। सो हमारा जो फ्राइड राइस है ये भी रेडी हो जाएगा। सो नेक्स्ट हम एक तवा लेंगे, उस पर 3 टेबलस्पून ऑयल लेंगे, एंड जो मैरिनेट करके रखा हुआ था हमने बेबी कॉर्न एंड मशरूम्स एंड अनियंस और कैप्सिकम, वो सबको इसको अच्छे से तवा पे रख देंगे, एंड इसको कुक होने के लिए थोड़ा टाइम छोड़ देंगे। अब तक ये बन रहा है, चलिए हमारे नेक्स्ट आइटम पे जाते हैं, विच इज मशरूम चिली। सो एक बाउल में मशरूम लेंगे, एंड उसमें 2.5 टेबलस्पून हम कॉर्नफ्लोर डाल देंगे, उसमें थोड़ा सा सॉल्ट अकॉर्डिंग टू योर टेस्ट एंड 1/2 टेबलस्पून पेपर पाउडर, एंड इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे। डोंट वरी, सॉल्ट की वजह से उसका मॉइस्चर वैसे भी निकल आएगा एंड ये अच्छे से मिक्स हो जाएगा, एक्स्ट्रा वाटर की जरूरत नहीं है। एक पैन में हम 1/2 टेबलस्पून ऑयल डाल के इसको अच्छे से फ्राई कर देंगे। सी चिली या फिर कोई भी अगर चाइनीज फूड या फिर इस टाइप का फूड हम सुनते हैं तो हमारे दिमाग में सबसे पहले आता है कि उसको शायद कॉर्नफ्लोर में अच्छे से डुबो के डीप फ्राई होगा एंड देन बनेगा, पर नो, इस सिंपल वे में भी आप बना सकते हो एंड गिल्ट फ्री होके इसको एंजॉय कर सकते हो। सी जस्ट इतने से ऑयल में ही अच्छे से ये कुक हो गया है, एंड ऐसे लग ही रहा है, दिख रहा है जैसे कि ये डीप फ्राइड है, पर ये डीप फ्राइड नहीं है। ओके, एंड इन द मीनवाइल हमारे जो तंदूरी बेबी कॉर्न मशरूम है ये सारे भी कुक हो गए हैं, इनको मैंने फ्लिप कर दिया है। सी कितने अच्छे से अनियंस और कैप्सिकम कुक हो गए हैं। इसको 1 मिनट कुक करके मैं गैस टर्न ऑफ कर दूंगी। तो चलिए हमारा जो चिली है उसको फटाफट से बना लेते हैं। अभी इसमें मैंने डाला है 1/2 टेबलस्पून ऑयल, उसमें 3 पीसेस चॉप्ड गार्लिक, 1/2 इंच चॉप्ड जिंजर, 2 स्लिट्स ऑफ मिर्ची, एंड उसको थोड़ा सा सॉटे करके उसमें वेजीज ऑफ योर चॉइस, मैंने यहाँ पे गाजर और कैप्सिकम चॉप करके डाल दिया है, एंड देन बड़े क्यूब्स हमें डालने हैं अनियंस के एंड कैप्सिकम के, उसमें 1/2 टेबलस्पून पेपर पाउडर एंड सॉल्ट अकॉर्डिंग टू योर टेस्ट। इसको अच्छे से सॉटे कर देंगे, एंड जो हमने मशरूम बनाया था उसको इसमें ऐड कर देंगे, एंड देन अच्छे से मिक्स। अभी इसमें हम ऐड करेंगे 1 टेबलस्पून सोया सॉस, 1 टेबलस्पून टमाटो केचप एंड 1 टेबलस्पून चिली सॉस, एंड देन इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे। मीनवाइल हम 1 टेबलस्पून कॉर्नफ्लोर लेंगे, उसको थोड़े से पानी में मिक्स करके एक पेस्ट बना लेंगे पतला सा, एंड उसको इसमें ऐड कर देंगे, एंड बस हमें कॉर्नफ्लोर कुक होने तक थोड़ा वेट करना है, एंड उसके बाद हमारा चिली भी रेडी है, जो कि ना डीप फ्राई हुआ ना सिर्फ थोड़े से ऑयल में, इतना यम्मी और टेस्टी चिली। ओके, सो अब हमारे मोस्टली जो भी फूड आइटम्स है वो सब बन चुके हैं, एंड इट्स टाइम फॉर प्लेटिंग। तो चलिए हम सारा अपना जो भी खाना है उसको अच्छी तरह से टेबल पे सजा देते हैं।
तो आई होप आप सबको ये वीडियो पसंद आया होगा एंड जो भी रेसिपीज मैंने इसमें बताई हैं, अगर आपको उसमें से कुछ भी ट्राई करते हो एंड कुछ भी बनाते हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर कीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड जो बेल आइकन है उसको दबाना ना भूलिएगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।